सबसे पहले जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को हमारी ससुरारी जिंदाबाद की पूरी टीम की तरफ से सभी को सादर प्रणाम, सभी का स्वागत है। और मैं अपनी बात बताऊं तो पहली बार मैंने हरियाणा में पहली बार शो किया है, फरीदाबाद में शो किया है, लेकिन मामेंद्र सर के माध्यम से फरीदाबाद की पावन धरती पर शूट करने का अवसर मिला है। फिल्म का नाम है ससुरारी जिंदाबाद। डायरेक्टर हमारे बगल में बैठे हैं सुनील मांझी सर, और ये इस फिल्म की एक्ट्रेस हैं बहुत ही खूबसूरत जो सज धज के बैठी हुई हैं चांदनी सिंह जी, शिवानी जी हैं, और वो हमारे प्रोड्यूसर साहब मामेंद्र सर। फिल्म लेके क्या कहना चाहिए, क्या देखिए हम लोग का ये हर फिल्म में कोई ना कोई फिल्म में ये रहता है, संदेश होता है, एक मैसेजिंग रहता है कि हम लोग दर्शक को एक सामाजिक संदेश दें। हर फिल्म का ही उद्देश्य होता है। तो ये तो मैं स्क्रिप्ट हम लोग को अलाउ नहीं होता है, परमिशन नहीं है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बहुत मज़ा आने वाला है। टाइटल भी आप सोच सकते हैं कि ससुरारी जिंदाबाद, और ये सच्चाई है कि आज के समय में लोग ससुरारी को बहुत महत्व देते हैं। अब इनकी तो शादी हुए बहुत साल हो गए, लेकिन जिसकी नई नई शादी होती है वो खास करके ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस फिल्म में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी एक एक्ट्रेस हमारे बगल में बैठी है, एक एक्ट्रेस थोड़ी सी कुछ काम के बाहर गई हुई है, श्वेता महाराज जी हैं इसमें। तो दो दो लोग हैं और दोनों लोग के बीच में मैं कैसे आटे की तरफ पीस रहा हूँ वो आप सबको देखने को मिलेगा, और बहुत ही फैमिलियर ड्रामा है, मज़ा आएगा आप लोग को, ये मैं मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। चांदनी जी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और पहली बार सर के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी फिल्म है। मैं घर वाली हूँ और श्वेता जी भी हैं इसमें, बाहर तो, वाली तो बाहर वाले भी बाहर गई हैं, घर वाले भी घर घर में हूँ। जब बाहर का होगा तो बाहर वाली आ जाएंगी। और मतलब बहुत अच्छा लगा काम करके श्वेता जी के साथ भी, और कल्लू जी के साथ तो हमेशा अच्छा ही लगता है मुझे काम करके।
प्रोड्यूसर सर बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करेंगे वो हमें बार बार याद करें और दी भी बहुत अच्छी हैं। प्रोड्यूसर सर हमारे एकदम शांत विचार वाले हैं, बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जो आदमी शांत रहते हैं उसके दिमाग में बहुत सारा कुछ चलते रहता है तो क्रिएटिविटी आप लोग को इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और इनकी जो टीम है या यहाँ के जो मैंने पहले बताया कि हम लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग अधिकतर यूपी में होती है, लेकिन हरियाणा में जहाँ पे हम लोग ये सिकरौना गाँव है ना सर, यहाँ पे जो हम लोग शूट कर रहे हैं और यहाँ के जो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, सर के बहुत सारे यहाँ पे दोस्त मित्र रिलेटिव हैं और जो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग कहीं भी घूम फिर के ऐसा लग रहा है हम लोग फिल्म सिटी में, मुंबई में जैसे फिल्म सिटी में हम लोग करते हैं, कोई भी टेंशन नहीं रहता, कहीं भी कैमरा लगा दीजिए और अपने जो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, मतलब अब इच्छा हो रही है, मैं पहले बोला था कि नहीं सर हम लोग यूपी चलते हैं, लेकिन अब इच्छा हो रही है कि सर अगर कोई भी मूवी बनाए या मैं भी मेरे भी दिमाग में कोई ऐसी स्क्रिप्ट है तो मैं सर से हेल्प मांगूंगा कि सर मैं हरियाणा आ रहा हूँ, फरीदाबाद आ रहा हूँ, आपको शूटिंग करानी है। सारे दर्शकों को नमस्कार, मेरा एक बेहतर फिल्म बनाने के प्रयास है हमारी, क्योंकि हमारी और कल्लू सर की ट्रेनिंग हमारी दिलवर से शुरू हुई, हम लोग दिलवर से दिल के करीब आए हम लोग, और दिलवर के बाद सीधे ये ससुरारी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं बहुत मजा आने वाला है इस फिल्म में, और कमाल के एक्टर हैं कल्लू जी, हमारे तो जानते ही हम लोग, और कमाल के एक्ट्रेस चांदनी जी हैं, बहुत अच्छा, मैं पहली बार काम कर रहा हूँ चांदनी के साथ, और फिल्म में श्वेता महाराज जी हैं, गिरीश शर्मा जी हैं जो बाप के करेक्टर में हैं, और हमारे मानिंदर सर का इस है सब कुछ सपोर्ट है यहाँ पे, प्रोड्यूसर हैं आप यहाँ पे हमारी फिल्म के, और मेरा सौभाग्य है कि आपने ये फिल्म मुझे दिया काम करने के लिए, एक बेहतर फिल्म बनाने का पूरा प्रयास है मेरा, दर्शकों से कहूँगा कि बहुत मज़ा आने वाला है और एक फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा आप लोगों को, दो लोगों के बीच में कैसे पिसते हैं ये जरूर देखने को मिलेगा, और ये दो लोगों के अलावा भी इसमें बहुत सारा कुछ है, ऐसा नहीं कि मतलब दो ही लोग हैं, इसके अलावा भी एक स्ट्रगल दिखाया गया है जो कि मैंने बोला कि नहीं बता, लेकिन स्ट्रगल दिखाया गया कि आजकल के जो लड़के हैं, जैसे मेरे उम्र के जितने भी लड़के हैं, कि वो लोग कैसे गांव का ताना सुनते हैं और बाहर जब कमाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा, तो हमारी टीम एक अच्छी टीम मिली है और ये टीम पूरी कोशिश की है कि आप सबके बीच एक बेहतरीन सिनेमा बनाने की। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, और मेरे लिए मांझी सर कल्लू जी चांदनी जी बिल्कुल नए थे, पर जो टीम सपोर्ट होता है जिससे एक सिनेमा बहुत खूबसूरती से उभरता है वो सिर्फ कलाकार की वजह से होता है, और ऐसा नहीं कि कल्लू जी के बारे में बोलूं, चांदनी जी के लिए बोलूं या श्वेता जी के लिए बोलूं, जितने भी आर्टिस्ट हैं फिल्म के वो सब अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अव्वल दर्जे का हार्डवर्क कर रहे हैं, और यही एक सिनेमा की खूबसूरती होती है, खूबसूरती डायरेक्शन से निखरती है, और अगर मांझी सर की बात की जाए तो उससे ज़्यादा खूबसूरती कोई किसी भी सिनेमा को ऐड नहीं कर सकता, कितनी मेहनत है, कितना हार्डवर्क है, वो हम सब देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं बीइंग प्रोड्यूसर अगर बात किया जाए, पर जो कोर कास्ट है वो यही लोग हैं, तो मेरी तरफ से क्रेडिट तो इन्हीं लोगों को जाएगा, पूरा एंड तक सपोर्ट रहता है, कभी कोई टैंट्रम नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। मेरे पापा एक वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, इस उम्र में जज्बा होना कुछ नया करने का ये कम लोगों में होता है, तो वो जज्बे के साथ जो वो काम कर रहे हैं, उनका चौथा प्रोजेक्ट है ये, और जिस जज्बे के साथ, जिस मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि वो आगे ऐसी 50 फिल्में निकाल दें और साल में कम से कम 5 तो कर ही लें। नहीं करेंगे करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? मैं डिस्कवरी फिल्म इंटरनेशनल की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ शहर में, और पूरी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो ये सहयोग मिल रहा है बहुत कम लोगों को मिलता है, सब लोग अपना समझ के काम कर रहे हैं, छोटी मोटी तो दिक्कतें आई हैं, सब आती हैं, कभी कभी हो सकता है मैंने गुस्से में कुछ कह भी दिया, लेकिन क्षणिक होता है ऐसे गुस्सा, सब बड़े प्यारे लोग हैं, और मैं तो ये भी कहता हूँ, बहुत लोगों से कहता हूँ, 7 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, अगर कोई सबसे अच्छा व्यक्तित्व है तो कल्लू जी। अरे बहुत सारे हीरो हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, मिलता हूँ, ऐसा कोई दूसरा मैंने नहीं देखा, मैं सुनूँ तो ऐसा ही अपना अपने आप को बनाए रखें,
यही पब्लिक का प्यार है, लंबे समय तक चलेगा, आपका व्यक्तित्व ले जाएगा, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा उनका सहयोग है और इज्जत करते हैं, सबसे बड़ी बात सम्मान सबका करते हैं, अपने सहयोगी जो सहकलाकार हैं सबके साथ उनका अच्छा संबंध है, श्वेता जी हों हमारे साथ या चांदनी जी हों, और दूसरे कलाकार गिरीश शर्मा जी हैं, कौशल जी हैं, विद्या जी, लालधारी जी, साहेब लालधारी, विद्या जी, विद्या सिंह जी हैं, और कुछ नए कलाकार भी हैं, नए लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी, सभी का अच्छा सहयोग, और मेरे शहर के भी कुछ कलाकार हैं, एक ही कलाकार है, ये हमारा नाती है अमृत भारद्वाज, ये भी अच्छा काम करता है, और इस फिल्म में वो भतीजा बना मेरा और बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, थोड़ा सा एक्टिंग करवाएंगे, सीख रहा है उनसे, वो ठीक थोड़ी सी हाइट पड़ गई ना इसकी, ठीक हो गया तो मैं जिंदा रहा, इसको भी हीरो बनाएंगे वो हीरो है ही, हीरो है वो। तो फिर से मैं आपका, आप इतनी दूर से चल के आए, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, वैसे तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं डिस्कवरी न्यूज़ 24 के साथ, फिर भी इतनी दूर चल के आए, आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, और एक और व्यक्ति है जिसका पूरा सहयोग पीछे है, पर्दे के पीछे है, आशू जी बहुत ही बढ़िया, कल बहुत देर तक हमसे बातें हुई थी, क्या होता है कभी कभी हम दूर से देखते हैं अलग सा लगता है, जब बैठ के बातें करते हैं तो पता चलता है कौन कैसा है, और बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत सच्चे कहने वाले, तो उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, टीम वर्क है और अच्छी तरह से हम लोग निभा रहे हैं, मुझे उम्मीद है माजी जी समय से पहले ही काम पूरा कर लेंगे, ऐसी मुझे संभावना है, धन्यवाद। बस यही कहेंगे कि हमेशा हर टीम की यही कोशिश रहती है कि एक बेहतरीन, एक अच्छा, एक खूबसूरत सिनेमा बनाएं, सिनेमा इसलिए बनता है कि आप लोग का मनोरंजन हो, मनोरंजन के साथ साथ एक छोटी मोटी संदेश भी आप सबके बीच हम लोग पहुँचाएँ, तो पूरा उम्मीद है कि हम लोग की टीम बहुत मेहनत करे एक बेहतरीन सिनेमा बनाने की, प्रोड्यूसर अपने पैसा लगा रहे हैं, डायरेक्टर अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी इमोशन हम सभी के बीच रख रहे हैं, हम कलाकार 100% में 200% देने की कोशिश कर रहे हैं, सारे टेक्नीशियन चाहे वो लाइट वाले हो, चाहे स्पोर्ट बॉय हो, या कैमरा से जुड़े जितने भी अटेंडेंट हैं, पूरी टीम, मैं यही बोलूँगा आर्ट डायरेक्टर हो या डांस मास्टर, फाइट मास्टर, सारे लोग कोशिश करें कि आप सबके बीच एक अच्छी सिनेमा लाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबके बीच जब भी ये सिनेमा आएगी आप लोग भी बोलिएगा कि ससुरारी जिंदाबाद की टीम जिंदाबाद, तो प्यार आशीर्वाद भी बनाए रखिए। एक और व्यक्ति हैं उनके बारे में भूल गया कहना, गिरीश शर्मा जी, बहुत सीनियर एक्टर हैं, और वो इस फिल्म के साथ एज एक्टर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कार्यकारी निर्माता के तौर पर जो है, और काफ़ी काम देख रहे हैं जिसको हम लाइन प्रोड्यूसर कह सकते हैं, तो उनका बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, वो काफ़ी मेहनती आदमी है और सब कुछ संभालने में माहिर भी है। कल्लू जी, बात करें आपके और चांदनी जी की, तो चांदनी जी मांग में सिंदूर दुल्हन बनी हुई, तो मान ली जाए कि आपकी पत्नी है। हाँ, मानने में क्या है, मानने में क्या है, मान लीजिए इस फिल्म पे इतनी खूबसूरत बीवी मिल रही है, आप देखिए एक तरह से देखिए, इधर पिताजी के रूप में बैठे हुए हैं, इधर मतलब ससुर भसुर इधर बैठे हुए हैं, बीच में पत्नी बैठी हुई है, पूरा मानने में क्या, मान लीजिए इधर दीदी बैठी हुई है हमारी, तो मानने में क्या, मान लो ये हमारी पत्नी जी हैं, श्रीमती चांदनी, क्या नाम है, क्या नाम है, सुमन, सुमन देवी, देवी मतलब हम लोग की तरफ देवी लोग लगाते हैं, राधे कृष्ण, हाँ राधे कृष्ण, चांदनी जी ऐसा पति पाके कितना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इतना ही हंसाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके, और प्यारी मैडम बन गई हैं, वो तो है, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज्यादा, जितनी तारीफ करे उतना कम होगा, कितना एंजॉय करने इस फिल्म को आप, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, और कल्लू जी के साथ काम करने का जब भी मौका मिला है हमें, मतलब दिल से धन्यवाद करते हैं सभी लोगों को, डायरेक्टर सर को, प्रोड्यूसर सर को, और आसू बाबा भैया को भी तो सब बहुत अच्छा लगता है काम करके। ये मैं बता नहीं सकता शब्दों के माध्यम से, लेकिन हम लोग जब इस घर में शूटिंग कर रहे हैं और जब सारे लोग होते हैं, चाहे वो बाप बने हैं या पत्नी बनी है या जो भी सिवान दीदी आती हैं, सब लोग बैठते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि हम लोग फिल्म करने आए हैं, ऐसा लगता है हम लोग सब घर के फैमिली मेम्बर हैं, फर्स्ट दिन नहीं लगा लेकिन सेकंड थर्ड डे से लगने लगा कि नहीं अब हम लोग फैमिली मेम्बर हो गए हैं, और कब काम निकल जाता है, कब टाइम निकल जाता है, सीन भी अपने हिसाब से जितना हम लोग का टारगेट होता है वो कम्प्लीट हो जाता है, तो एक बोल सकते हैं कि हाँ फैमिलियर माहौल बना हुआ है और अच्छी सिनेमा बनेगी,
एक होता है ना कि आए काम के चले गए, नहीं यहाँ पे एकदम फैमिलियर माहौल बन गया है। आपके और चांदनी जी की शादी के बाद अगुआ कौन है? अगुआ दाढ़ी बड़ा है, इनको इतना मतलब मेरे शादी के पीछे पड़े हुए हैं, इनको दाढ़ी बनाने के भी टाइम नहीं मिलता, दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने शादी भी तय कर दिया। तो ये अगुआ यही है और शहर वाले जो शादी हो जाती है अचानक से उसके अगुआ उधर बैठे हैं। अब वो शहर वाले से कैसे होती है वो आप लोगों को सिनेमा देखने के बाद ही पता चलेगा, तो मजा आएगा। ये कहेंगे कि एंटरटेन करने को मिलेगा आपको और बहुत ही एंटरटेन करने को मिलेगा। मांझी जी ने इनका करेक्टर का नाम बहुत ही प्यारा रखा है, राधे। राधे नाम, जनरली हीरोइन के नाम होते हैं लेकिन हमारे हीरो का नाम है राधे। अच्छा नाम। सर यहाँ शूटिंग करने का खास वजह क्या था कि? नंबर वन तो मेरा शहर है, 50 साल से शहर में रहता हूँ और मेरे जो मित्र लोग हैं, जो लोकेशन थी हमारी स्टोरी से मिलती थी, जब हम पहली बार देखा तो ये हमारे परम मित्र हैं तेजपाल जी, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता, पूरी फैमिली का कितना सपोर्ट है ये बता सकते हैं, बहुत बहुत ही सपोर्ट है। ये जितना घर है, जितना गाँव है, हम लोग को ये लोगों ने समर्पित कर दिया कि लो भैया शूटिंग मैंने हाँ जहाँ शूट करना करो, और उन लोगों के घर ज़्यादा लगता है कि अब हम ही लोग का अपना घर हो गया। कल तो कह रहे थे उनकी वाइफ कि अब जब आप लोग चले जाएंगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, कितनी बड़ी बात ना, लोग तंग आ जाते हैं लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हैं। और इस घर में जो ड्रामा हो रहा है वो देख के खूब इंजॉय कर रहे हैं सिनेमा। एक ये देखिए, हम लोग की भाषा नहीं, इन लोग की भाषा हरियाणवी है लेकिन हम लोग की भोजपुरी भाषा है, तो भोजपुरी ऐसी भाषा है कि जो हिंदी से मिलते जुलती है तो सब समझ जाते हैं, और यहाँ पे जितने लोग सीन देख रहे हैं वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, तो एक तरफ से देखें तो हम लोग का भी फायदा है, जो हमें अगर नहीं भी जानते वो भी जान गए, और आजकल डिजिटल ज़माने लोग सर्च करके देख रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए अच्छी बात है कि हम लोग हर राज्य में हर शहर में फिल्म के माध्यम से शूटिंग करें और लोगों से जुड़ रहे हैं। यहाँ मुझे लोग कहते हैं कि भोजपुरी में बड़ी मिठास है भाषा में, तो यहाँ की थोड़ी अक्खर भाषा है ना, भोजपुरी मीठी भाषा है। नहीं लेकिन हमको तो यहाँ की भाषा बहुत अच्छी लगती है, याल होंदा। सुनील जी चलते चलते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? बस दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों ने दिलवर को प्यार दिया, ससुराल जिंदाबाद को प्यार दीजिए, उससे बढ़ के दीजिए, उससे बढ़ के प्यार दीजिए। और मैं क्या बोल लीजिए? हाँ बोलो, अभी बोल दीजिए। पत्नी जी बोली श्रीमती, पानी तो भूल जाऊंगी ना, बीमारी है भूलने की। इस फिल्म में रियल लाइफ में मैं श्वेता जी के लिए कहना चाहूंगी कि मैं बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम की, अगर सौतन श्वेता जैसी होंगी तो मैं चाहूंगी चलेगा, तो चलेगा। और वो तो वाह, कमी है आज, यहाँ भी कमी महसूस कर रहे हैं, आज होती तो कितना अच्छा लगता। और बहुत अच्छा लगता, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी, सौतन भी बोले कि लेके आओ तो उनकी जैसी हो तो चलेगी। हाँ, उनकी जैसी है सौतन तो फिर चलेगी, किसी और को लेके आएंगे तो नहीं चलेगी, बहुत बनती है। हाँ चलेगी चलेगी। देखो कैमरे पे कुछ भी हो लेकिन ऑफ कैमरा लोग बहुत बात करती है। और पहली बात नहीं, एक इनसे तो करते लेकिन एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही करते। हाँ, मुझे इंडस्ट्रीज में हम ये कह सकते हैं कि कोई अच्छी फ्रेंड है तो वो मुझे मिली फ्रेंड के रूप में, अच्छी जो मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? दर्शकों से क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना? दर्शकों से मैं कहूँगा कि हमारी फिल्म को कई कई बार देखें और हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम अगली फिल्म फिर से जल्दी बनाएं। दर्शकों का जितना प्यार मिलेगा हमारी फिल्म उतना निखरेगी, उतना हमें हौसला मिलेगा, हम एक और ऐसा फैमिली ड्रामा हमारे कलाकारों के साथ लाएं, भगवान करे हमें दोबारा मौका मिले जी के साथ काम करने का, चांदनी जी के साथ, मांझी जी के साथ काम करने का दोबारा मौका मिले, और ये सिर्फ दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत प्यार मिले, बहुत स्नेह मिले, तो सब बहुत प्यार करें फिल्म को। प्रदीप जी आपका हमारे चैनल स्वागत है, और आज जिस फिल्म की शूटिंग हो रही है जी जी, क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में? पहले तो सभी लोगों को नमस्कार मेरा, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रोड्यूसर साहब मानवेंद्र कुमार जी का, और इस फिल्म के बारे में हम जितना भी कहें उतना कम है,
बहुत अच्छी फिल्म है, आप फैमिली के साथ में देख सकते हैं, और कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, सब कुछ है इस फिल्म में। आपको अच्छे अच्छे गाने मिलेंगे, और इसके डायरेक्टर हैं सुनील मांझी जी, और हीरो हैं अरविंद अकेला जी, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। आप लोग फैमिली के साथ में देख सकते हैं। भोजपुरी फिल्म लोग कहते हैं फैमिली के साथ में नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये फिल्म आप फैमिली के साथ में देख सकते हैं। मैं इसमें मैनेजर बना हूँ एक फैक्ट्री का, वही करेक्टर है मेरा। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी? बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने 4-5 फिल्में की हैं भोजपुरी, हिंदी भी की हैं। रजनीकांत सर के साथ में मैंने फिल्म की है पेटा, राजपाल यादव जी की फिल्म की है सफाईबाज, और एक मेरी मुर्दा ही वेब सीरीज आई थी, वो आपको हर जगह मिलेगी। तो इस फिल्म के बारे में जितनी भी मैंने भोजपुरी फिल्में की हैं उससे सबसे अच्छा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि एक फैमिली की तरह से सब लोग रह रहे हैं और फैमिली ड्रामा शूट कर रहे हैं। और इसके DOP हैं DK शर्मा जी, बहुत अच्छे भाई साहब हैं हमारे और बहुत मानते हैं, और प्रोडक्शन मैनेजर हैं मौर्य जी, विजय मौर्य जी। तो कैसा लग रहा माहौल पूरा, जैसे कि ये लोकेशन, ये गांव जैसा आप लोकेशन, गांव बहुत अच्छा लग रहा है, और गांव में आके यहां का जो कल्चर है, जो हमारा हमारी भारतीय कल्चर है जो हमारा, वो यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि औरतें जो निकल रही हैं वो दुपट्टा डाल के निकल रही हैं और मुंह पूरा ढका हुआ है उनका, तो ये सब देख के मैं बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिल्ली से ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम लोग हरियाणा में हैं, दिल्ली से 50 किलोमीटर होगा, लेकिन दिल्ली में लोग कहते हैं कि इतना ऐसा है वैसा है, लड़कियाँ ऐसे चलती हैं, लेकिन यहाँ पर आके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारा भारतीय कल्चर है वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। फिल्म के हीरो हीरोइन बारे में क्या कहना चाहिए? हीरो हमारे बहुत अच्छे हैं और हीरोइन भी बहुत अच्छी हैं, और दोनों लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कौन कौन से काम करने वाले हैं हम आगे? अभी मेरा 29 तारीख से एक फिल्म है प्रभात वर्मा जी की, जिसके प्रोड्यूसर राइटर और डायरेक्टर प्रभात वर्मा जी हैं, जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी चिरैयो न बोले, उसके भी राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रभात जी हैं, जिन्होंने अभी पिछले साल फिल्म रिलीज की है चिरैयो न बोले, और अब नई फिल्म बनाने जा रहे हैं नहिया बनमोल, उसमें मैं एक बच्ची का करेक्टर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है, वो भी फैमिली के लिए ही फिल्म बनाते हैं, आप यूट्यूब पर डाल के देख सकते हैं चिरैयो न बोले, आपको बहुत अच्छी लगेगी। भोजपुरी सिनेमा में जो बदलाव हुआ है क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार जो सपोर्ट मिल रहा है उस पर क्या? उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है भोजपुरी सिनेमा के लिए, और इसीलिए भोजपुरी सिनेमा आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, और जिनके बारे में अभी मैं बता रहा था चिरैयो न बोले, उनको भी मिली है और आगे भी मिलती रहेगी, और सबको मिलना चाहिए, इसीलिए सब लोग काम कर रहे हैं। और बाकी भोजपुरी फिल्मों का ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पे ही वो चल रही हैं। तो अपने फिल्म करियर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से? हम बस सब लोग हमारी फिल्मों को देखें और हमको आशीर्वाद दें, यही कामना रहेगी मेरी। थैंक यू सर, आपका हमारे चैनल स्वागत है, और सबसे पहले तो तारीफ के लिए रोगीले मूछे और एकदम कुर्ता, कुछ नया कर रहे हैं या कतरा या सितम ढा रहे हैं किसी के ऊपर? पहले तो मैं हमारे इंडस्ट्री के जाने माने PRO रामचंद्र जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और रोगीली मूछे की ये राज है कि मैं इसमें एक फादर के करेक्टर में हूँ, जो थोड़ा कंजूस भी है लेकिन ठीक ठाक पैसे वाले है, और बेटे से नोक झोंक में पैसे बचाने की कोशिश करते रहता है, बेटा निकम्मा है, उससे हमारी लड़ाई उड़ाई होते रहती, इस ढंग की कहानी है, ताना बाना बुना गया है। ससुरारी जिंदाबाद, किस जोनर की फिल्म बन रही है?
एक बहुत अच्छी फिल्म है और आज की पीढ़ी के लिए ही फिल्म बन रही है, ऐसी कुछ नहीं है। आज के पीढ़ी में ज़्यादातर बच्चे इस ढंग के रहते हैं, कल सोए रहते हैं, दिन में काम नहीं करते हैं, तो एक बाप तंग आ जाता है बेटे से और उसको इस ढंग से बनाने की कोशिश करता है कि तुम कमाओ, ये करो, वो करो, एक इस ढंग के काम करता है। ससुराली के खिलाफ है, ससुराली सपोर्ट में? नहीं, मैं ससुराली के सपोर्ट में हूँ, पॉजिटिव फादर हो, लेकिन लड़का इस ढंग से काम करता है कि दो शादी कर लेता है, इस ढंग की कहानी है। आपके बेटे की भूमिका कौन है? कल्लू जी हैं बेटे की भूमिका में। और दो बहुएं कौन-कौन आ जाती हैं? एक चांदनी सिंह है, एक श्वेता जी हैं। तो दो-दो बहुएं हैं, तो कैसे संभाल पाते हैं आप? वही कठिनाई को, वही टेंशन को इसमें दिखाया गया है इस फिल्म में। वही काफ़ी तनाव में मैं रहता हूँ, इसलिए विलन इसमें नहीं है, वो कोई विलन नहीं है कि एक परिवार को कैसे चलाया जाता है, लेकिन दो बहू मिल जाती है, एक शहर की और एक गांव की, तो इसी ढंग के बीच में कहानी बनाई गई है और दोनों के बीच में हमारा परिवार है, हम कैसे दोनों को मैनेज करते हैं वही दिखाया गया है। मामिंदर जी लाजवाब प्रोड्यूसर, जितनी भी बड़ाई करूं बहुत कम है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनकी तीसरी फिल्म में भी मैं हूं और मैं कार्यकारी निर्माता भी हूं उनकी फिल्म में, और फिल्म का निर्माण डिस्कवरी फिल्म्स इंटरनेशनल एंड कृष्णा गिरीश फिल्म्स प्रेजेंटर फिल्म का निर्माण हो रहा है। तो मामिंदर जी तो डायरेक्टर भी रहे हैं, उनकी पारखी नज़र है, वो अपनी पारखी नज़र से मुझे छोड़ते नहीं, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखो जो सही है सो सही है, मेरी आंखें भर गई, उस आदमी का कोई जवाब ही नहीं है, मैं यही कहूँगा, वो लाजवाब है। डायरेक्टर साहब की बात की जाए, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं मांझी जी, मांझी जी बहुत अच्छे डायरेक्टर, कानूदा आपको डांस मास्टर हैं, डीके जी कैमरामैन हैं, इस ढंग से बीच में कौशल शर्मा जी, विद्या जी हैं, इसके अलावा नीतू सिंह हैं, इसके अलावा आपको रेखा जी हैं, आपको उसके अलावा हमारी बेटी की रोल श्रेया कर रही हैं, फिर एक नीलू भारती जी हैं, इस ढंग से हमारा कैरेक्टर ये ताना बाना, अमृत छोटा बच्चा का रोल कर रहा है, अमृत भारद्वाज बहुत लाजवाब एक्टर है, उसका बच्चे का भविष्य है इसमें दो मत नहीं है, तो बहुत बढ़िया, इसमें बहुत बढ़िया रोल है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो और सिकरौना गांव में शूटिंग चल रही है हरियाणा में, इस गांव के लोग बहुत लाजवाब हैं, कहना ही नहीं है, इतना अच्छा कॉपरेशन इस गांव में मिला है कि यादगार है। मैंने यूपी में ही आज तक जो भी 100-150-200 फिल्में किया, सब यूपी में ही किया या मुंबई में किया। देखिए मैं आपके सामने एक सौभाग्यशाली व्यक्ति खड़ा हूँ, जो अमिताभ बच्चन तक के साथ मैंने, जया जी के साथ, आपको गुलशन ग्रोवर जी के साथ, आपको प्रमोद माउथो जी के साथ, असरानी जी के साथ, आपको सुरेंद्र पाल जी के साथ, यशपाल शर्मा जी के साथ, बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया, दुनिया का हर शौक को मैंने पूरा किया भोजपुरी में रहकर, अपनी खुद की सीरियल बनाई, खुद फिल्में मैंने फाइनेंस किया, और इसके अलावा हमने काफ़ी सीरियल्स की, सीने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में चुनाव लड़ता हूँ, आर्टिस्टों के वो पक्ष में रह, जो कुछ तंगियाँ होती है उसके पक्ष में मैं भाषण देता हूँ, तो हमने हर शौक को भोजपुरी में रह करके पूरा किया। हिंदी में भी मेरी काफ़ी बड़ी बड़ी सीरियल रही है, कहानी घर घर की, घर एक मंदिर, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान खान साहब के साथ, तो हर शौक को पूरा कर लिया, मुझे कोई ऐसा कोई अब शौक नहीं रह गया भोजपुरी में। अब वही फाइनेंस कंपनी अभी चल रही है बहुत अच्छे माता रानी के आशीर्वाद से, और मैं भोजपुरी के प्रोड्यूसरों को मदद करना चाहता हूँ, मैं एक नया अभियान भी चलाऊँगा कि ताकि प्रोड्यूसर तंग ना हो, डायरेक्टर तंग ना हो, बहुत जल्द आप लोगों के सामने मैं आऊँगा, क्योंकि मैं विभाग बोलता हूँ और मालिक का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं रामचंद्र जी पीआरओ साहब ये बता रहा हूँ, दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे हिला नहीं सकता, भगवान का आशीर्वाद के सामने सबको एक दिन जाना है, लेकिन मालिक अपने हाथ में मुझे लिए रहता है। हम यही बोलेंगे कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं इसी पे चल रहा हूँ, आगे भी काम करूँगा, बहुत जल्दी भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं अकेला चलकर, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि यदि तो डाकचो ने को ना आए एकला चालो रे, मैं अकेला चलकर एक बड़ा अभियान चलाऊँगा कि प्रोड्यूसर तंग ना हो और डायरेक्टर तंग ना हो, बहुत जल्द वो देखने में मिलेगा, 2-3-4 महीने का मुझे वक्त दीजिए, क्योंकि मैं सक्षम हूँ कि हम मजबूती से मैं सक्षम हूँ कि कैसे इसको मैं चलाऊँगा, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, और जिस आदमी को कोई चीज़ की कमी नहीं होती है वही इस काम को कर सकता है,
जो बेचारा टेंशन में रहेगा कि बैकग्राउंड में मुझे हटा देंगे काम काम को, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। इतनी मेरी ताकत है, पावर है, आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, यही मैं बोलूँगा। दर्शकों को मैं यही बोलूँगा कि इस फिल्म को देखें, बहुत दिल से महेंद्र कुमार जी फिल्म को बना रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत मैंने जो ईपी के पद पर रह करके किया है, बहुत अच्छा गाना है मधुकर आनंद जी का, जो मैं कहना आपको भूल गया था, और कवि जी सब बड़े बड़े लोगों ने इस गाने को लिखे हैं। लोकेशन तो लाजवाब है, नोएडा में इसकी शूटिंग होने वाली है, अभी हम हरियाणा के सिकरौना गाँव में कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि ज़रूर आप लोग देखिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा, हम आप लोगों के लिए अच्छी साफ सुथरी अश्लीलता मुक्त फिल्म बनाऊंगा, 100% मैं बोल रहा हूँ। अश्लीलता के मैं खिलाफ हूँ, चोली लहंगा खटिया गाने वाले का मैं विरोध करता हूँ आपके सामने, एकदम अश्लील मुक्त मैं अपनी बेटी के साथ सिनेमा देखूँ, वही सिनेमा मैं भविष्य में बनाऊँगा और उसी सिनेमा को मैं फाइनेंस करूँगा, ये आपको मैं वादा देता हूँ। जिसमें गंदगी होगी मैं उस सिनेमा में एक रुपया नहीं लगाऊँगा। तो दोस्तों ज़रूर हम पे विश्वास रखिए, क्योंकि मैं भोजपुरी सिनेमा को ढोया है, 93 से मैं सिनेमा कर रहा हूँ, जब कुणाल जी हीरो थे चला सके दुल्हा देके, मैं हीरो रहा सैया बेदर्दी में, रवि जी के अपोजिट 12-14-15 फिल्में मेरी मेन विलेन है, जिसमें नगमा जी हैं, भागश्री जी हैं, रानी चटर्जी जी हैं, तो मैंने भोजपुरी सिनेमा को पूरी ज़िंदगी दिया है। तो अब मैं बहुत बड़ा अभियान चलाऊँगा, भरोसा रखिए हम पे, मैं सक्षम हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं क्यों ना आप एक भोजपुरी सिनेमा में इतिहास बनाऊँ। मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी तंग ना हो, यही मेरी अभियान होगी। थैंक यू रामचंद्र जी, आपने मुझे इस काबिल समझा, आप अपने चैनल पे मेरा इंटरव्यू लिया, मैं दिल से आपको, अपने दर्शकों को एक बार फिर से गौर लगाता नहीं।